Good morning, student. Today we are going to study about market structures, right? So before we learn what are the different various types of market structure, we need to understand what do we mean by market, correct? So considering what is market, market is usually understood as a place where sellers, that is also producers and buyers, consumers, meet for settling a transaction. So whenever sellers and buyers meet each other for some kind of transaction, right? So when they meet each other, there has to be some kind of transaction. We call that place as market. Traditionally, market was a marketplace, a literal marketplace where you usually go to buy your vegetables, right? Here, what happens here is, aap ye market mein jab jaate hai, right? Market mein jaate hai, you have some money with you. There are number of sellers in the market. Right, they have some or other either goods or commodity or services with them, correct? ये goods को आप commodities भी कह सकते हैं. They have goods, commodities or services with them. आप जैसे ही market में जाते हैं, आप ये goods या services खरीदते हैं, उसके return में आप producer को और seller को पैसे देते हैं. There is a transaction which took place between seller and buyer, that is between consumer and producer. So we call this place as market, right? Due to the advancement of communication and technology, ये market का जो traditional definition था वो slowly improve हो गया है और evolve हो गया है और update हो गया. Market is also defined as a group of firms and individuals that are in touch with each other in order to buy or sell some goods. करेक्ट. सो देखिए आजकल क्या हो रहा है, इन द मार्केट प्लेस यू डोंट एक्चुअली हैव टू मीट बायर एंड सेलर. सेलर और बायर एक दूसरे को ना मिले फिर भी चल जाएगा, राइट? क्यों चल जाएगा? सिंपली बिकॉज ड्यू टू कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, राइट? देखिए नाउ ऑन कार ट्रेड्स, फ्लिपकार्ट, ये जो साइट है यहाँ पे आप क्विकर, यहाँ पे आप ये जो साइट्स है यहाँ पे आप वेरी इजीली यू कैन बाय एंड सेल कमोडिटीज विदाउट मीटिंग बायर, विदाउट मीटिंग सेलर, राइट? अमेजोन पे तो क्या है, यू जस्ट विद वन क्लिक, विद जस्ट वन सिंगल क्लिक व्हाट हैपेंस इज यू बाय दैट कमोडिटी. यू डोंट हैव टू सी सेलर, यू डोंट हैव टू कम्युनिकेट विद देम, राइट? स्टिल द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस. सो दिस ई मार्केट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ मार्केट. ये मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है? सिंपली बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम. सो मार्केट का बेसिक रूल क्या है और बेसिक फीचर क्या है? देयर हैज टू बी अ ट्रांजैक्शन, राइट? और ट्रांजैक्शन विल बी ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन. सम कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन द सेलर एंड द बायर. सेलर और बायर कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, right? They will show their commodities. Buyer will either like this commodity or will not like this commodity. He will decide to buy this commodity or not buy this commodity. And when he buys the commodity, a transaction takes place. We call this place as market. In today's situation, with the progress in the communication system, it is not necessary to have a physical or personal contact in a physical or geographical market area. Simple cheez hai. अभी यू कैन बी इन इंडिया एंड सेल योर कमोडिटीज इन चाइना, सेल योर कमोडिटीज इन जापान, सेल योर कमोडिटीज इन अमेरिका, राइट? सो जियोग्राफिकल और फिजिकल डिस्टेंस ड्यू टू कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है, राइट? मार्केट का एक्सटेंड, वर्चुअल मार्केट का एक्सटेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट? सो वी नो व्हाट इज मार्केट. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ बायर्स और सेलर एक दूसरे को मिलते हैं एंड कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होता है. वी कॉल दैट प्लेस एज मार्केट. सेलर्स सेल समथिंग, बायर्स बाय समथिंग, राइट? इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शन, वी विल नॉट कॉल दैट प्लेस, दैट कॉन्सेप्ट एज मार्केट. देन वी से मार्केट देयर हैज टू बी अ बेसिक ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन रिटर्न, रिटर्न में क्या मिलने वाला है आपको? मनी मिलने वाला है, राइट? नाउ गिवन अ टाइप ऑफ मार्केट, विद इन द मार्केट स्ट्रक्चर depends on many factors. Now ये market के अलग अलग types होते हैं,
यस, ये मार्केट स्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप्स होते हैं विच वी आर गोइंग टू स्टडी. दिस टाइप्स, ये जो टाइप्स है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. तो कौन से फैक्टर्स है वो? वेरी फर्स्ट फैक्टर इज नथिंग बट नेचर ऑफ कमोडिटी. वेदर दिस कमोडिटी इज यूनिक कमोडिटी और दिस कमोडिटी इज अ कॉमन कमोडिटी और होमोजीनियस कमोडिटी जो सब सब सेलर्स के पास है. राइट, यूनिक मतलब क्या होगा? ये कमोडिटी ऐसी होगी जो सिर्फ एक ही सेलर के पास है, सबके पास अवेलेबल नहीं है. सो इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस पर्टिकुलर कमोडिटी यू विल हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर सेलर. राइट, कॉमन कमोडिटी क्या होगी या होमोजीनियस कमोडिटी क्या होगी? ऐसी कमोडिटी जो सब मार्केट में सब सेलर्स के पास अवेलेबल है. और क्या हो सकती है? कमोडिटी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड. यस, दे कैन बी स्मॉल स्मॉल डिफरेंस इन द कमोडिटी. यस, कलर, फ्रेग्रेंस, शेप, ये छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशंस हो सकते हैं. सो द टाइप ऑफ मार्केट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द कमोडिटी, वेदर ये कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स कैसे हैं. ये कमोडिटी के कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मार्केट. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. जैसा मार्केट, यहाँ पे आपको अपना एक शॉप ओपन करना है वेयर यू विल बी सेलिंग सम कमोडिटी और प्रोड्यूसिंग सम कमोडिटी. राइट, कैन यू एंटर द मार्केट और नॉट? यस, चलो, देयर आर मेनी पीपल इन द मार्केट, बहुत लॉसेस हो रहे हैं. सो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शॉप है, आपकी शॉप बंद करना है, आपको प्रोडक्शन हाउस बंद करना है. कैन यू एग्जिट द मार्केट और नॉट? इसके ऊपर डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मार्केट, वेदर इस मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट में कोई बैरियर्स है या बैरियर्स नहीं है. इस पर डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मार्केट. कंट्रोल ओवर सप्लाई. राइट, दैट इज एक प्रोड्यूसर का अपने सप्लाई के ऊपर कितना कंट्रोल है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मार्केट. कंट्रोल ओवर प्राइस, दैट इज बायर और सेलर में से कौन ज़्यादा प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहा है. We all know market में price is determined by the intersection or the market forces. हम कहते हैं market में price कैसे determine होता है? Market forces से. What are market forces? That is demand for the commodity and supply of the commodity. Yes, when demand and supply intersect each other, demand curve and supply curve intersects each other, you get market price and you get market equilibrium quantity. Right? So ये price के ऊपर control किसका है? Whether seller is influencing the price or buyers are influencing the price. Seller के पास market price को influence करने का power है या नहीं है, इस पर depend करेगा type of market. Right? So, we'll see. Okay, so we'll see market structure. So, basically market is divided into perfect market and imperfect market. राइट, मार्केट को दो तरह से हमने डिवाइड किया है ब्रॉडली. राइट, वन इज परफेक्ट मार्केट, द अदर वन इज इम्परफेक्ट मार्केट. अंडर परफेक्ट मार्केट वी हैव टू सब टाइप्स, वन इज प्योर कॉम्पिटिशन एंड द अदर वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सेम वे अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी हैव थ्री सब टाइप्स. वी आर गोइंग टू स्टडी थ्री सब टाइप्स बेसिकली. वन इज मोनोपोली, सेकेंड वन इज ओलिगोपोली एंड द थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. राइट, सो considering all the this market structure and perfect competition and imperfect competition, perfect competition and monopoly are two extreme ends. क्या कह रहे हैं हम? ये पूरे market structure में perfect competition and monopoly are two extreme ends. Right? They are like pole situation. One is north pole, the other one is south pole. But we all know north pole or south pole पे कोई रहता है क्या? नहीं. The reality exists between North Pole and South Pole, right? So perfect competition and monopoly are two extreme pole situations, right? We'll study all these market situations. Okay. चलिए, तो market structure comprises of different forms of market. Market structure क्या है? जहाँ पे अलग अलग forms of market है. So broadly हमने कहा कौन से forms of market है. One is perfect market and the other one is imperfect market. Under perfect market we have two subtypes, under imperfect market we have three subtypes. So here we are considering, see there are bahut sari cheezon ka market hoga, labor market hoga,
लैंड मार्केट होगा, पर यहाँ पे हम जो मार्केट कंसिडर कर रहे हैं दैट मार्केट इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, वेर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड बॉट. यस, यहाँ पे हम जो मार्केट कंसिडर कर रहे हैं ये मार्केट है टिपिकल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेबर मार्केट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड मार्केट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, पर यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं गुड्स मार्केट एंड सर्विसेज मार्केट के बारे में. राइट, सो अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट. मार्केट दो तरह के मार्केट्स आपको दिखेंगे, वन इज परफेक्ट मार्केट और उसका अपोजिट इज इम्परफेक्ट मार्केट. अंडर परफेक्ट मार्केट यू हैव परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड प्योर कॉम्पिटिशन. अंडर इम्परफेक्ट मार्केट वी हैव मोनोपोली, ऑलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. ओके, स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. वॉट हैपन्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का बेस्ट एग्जाम्पल विल बी मार्केट ऑफ पटेटोज एंड अनियन. ये जो कांदा बटाटा वाला मार्केट है दैट इज वेरी क्लोज टू द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. सो वॉट हैपन्स इन दिस मार्केट? सी, कंसिडर दे आर ऑलरेडी 10 शॉप्स इन द मार्केट. आपके नियर बाय जो भी मार्केट है वो ऑलरेडी बैक टू बैक 10 शॉप्स है वो आर सेलिंग ऑनियंस एंड पटेटोज. राइट, यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन शॉप. सो आपने ये जो 11th शॉप था आपने ये हायर किया, रेंट आउट किया टू स्टार्ट योर प्रोडक्ट, स्टार्ट सेलिंग ऑनियंस एंड पटेटोज. राइट, एवरी वन इन द मार्केट इज सेलिंग होमोजीनियस कमोडिटीज, दैट इज सिमिलर कमोडिटीज. राइट, साइज, शेप, टेस्ट में ये सारे पटेटोज एंड ऑनियंस आर होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स सेम. सो दे आर सेलिंग होमोजीनियस कमोडिटीज. और ये कमोडिटीज बाय करने के लिए देर आर नंबर ऑफ बायर्स. एवरी वन नीड्स पटेटोज एंड ऑनियंस. राइट, सो देर आर नंबर ऑफ बायर्स विच आर कमिंग एवरी डे टू बाय ऑनियंस एंड पटेटोज. राइट, सो ये अनियन का प्राइस इन द मार्केट इज ₹10 फॉर 1 kg और पटेटोज का प्राइस इज ₹15 पर kg अज्यूमिंग. राइट, सो ऑल द 10 शॉप्स आर सेलिंग अनियंस फॉर ₹10 एंड पटेटोज फॉर ₹15. यू आर द 11th शॉप ओनर. राइट, व्हाट प्राइस विल यू हैव कीप टू सेल योर द कमोडिटी विच यू आर सेलिंग, दैट इज अनियन एंड पटेटोज? यू विल टेक द मार्केट प्राइज. यू विल नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द प्राइज, बिकॉज अगर आप प्राइस ज़्यादा रखोगे नो वन इन द मार्केट इज गोइंग टू कम एंड बाय फ्रॉम यू, बिकॉज आप उनको पहले शॉप्स में सस्ते में जो कमोडिटीज चाहिए वो मिल जाएगी. राइट, और ये मार्केट प्राइस से अगर आप प्राइस कम करोगे राइट तो क्या होने वाला है? रेस्ट ऑफ द सेलर्स विल ऑल्सो रिड्यूस देयर प्राइस. राइट, सो सिंपल चीज है, वॉट हैपन्स इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज देर आर नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट एंड देर आर नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट. बिकॉज देर आर नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, बोथ बायर्स और सेलर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस. वो प्राइस को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, वो प्राइस को बनाते नहीं है. वो जो भी मार्केट में एग्जिस्टिंग प्राइस है उसको अडॉप्ट करते हैं, उसी पे काम करते हैं, उसी प्राइस पे दे स्टार्ट सेलिंग देयर कमोडिटीज. राइट, दैट इज दे आर प्राइस टेकर्स. रिमेंबर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन बिकॉज बायर्स एंड सेलर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, दे जस्ट टेक द मार्केट प्राइस. वट एवर मार्केट प्राइस इज देयर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट दे जस्ट टेक दैट प्राइस. राइट, हेंस दे आर कॉल्ड एज प्राइस टेकर्स. Again, sellers in the perfect competition are price takers. They do not make price. Right? Perfect competition ka another feature is they are selling homogeneous commodities. Commodities which are similar in taste, size, shape, etc. etc. Right? They are selling similar commodities or similar product in the market. Same commodity market mein ye sell kar rahe hain. सो बायर वन से अगर नहीं खरीदा तो बायर टू से खरीदेंगे, बायर फोर से भी खरीद सकते हैं, वही सेलर वन से खरीद सकते हैं या सेलर टू से खरीद सकते हैं, वही सेलर 5, 8, 9 किसी भी सेलर से आप खरीदो आपको कमोडिटी सेम मिलने वाली है. राइट, सो कमोडिटी इज आइडेंटिकल.
Both sellers and buyers have complete information of market, which helps establish uniform price. So what happens here is both sellers and buyers have perfect information of the market. उनको market price के बारे में perfect information है. They know how much is the cost of production. They know how much is the transport cost. They know ये कमोडिटी बनाने में कितना प्राइस लगा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है, इसके फैक्टर्स कौन से. दे हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट, बोथ बायर्स एज वेल एज सेलर्स, राइट, जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म प्राइस बांधने में, एक यूनिफॉर्म प्राइस डेवलप करने में यूज़ होता है. सो दिस इज़ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होने वाला है, देखिए एग्जाम्पल क्या होगा इसका, द मार्केट ऑफ अनियंस एंड पोटैटोज, राइट. तो मार्केट ऑफ अनियंस एंड पोटैटो में क्या होने वाला है, यहाँ पे देयर गोना बी नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर गोना बी नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, राइट, जिसकी वजह से दोनों में से कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. दोनों में से कोई प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. सेलर्स योर आर प्राइस टेकर, दे जस्ट अडॉप्ट द प्राइस विच इज देयर, राइट. दे आर सेलिंग आइडेंटिकल और होमोजीनियस कमोडिटीज इन द मार्केट, fine, right, and another feature is they have perfect information of the market. Both sellers as well as buyers have perfect information of the market. Because of all this, ये difficult features होने के वजह से, देखिए जैसे कि perfect information, हमको तो perfect information नहीं होता market के बारे में या किसी भी commodity के बारे में. So ये irrational या difficult features होने के वजह से perfect competition situation is very difficult to find the market. Market में ये perfect competition situation या ये particular type of market होना बहुत difficult है. फिर भी the closest market we can consider is the market of onions and potatoes. Right? That is the perfect competition. Now what is pure competition? Pure competition is also similar, but इतना ही difference है कि pure competition के सिर्फ तीन ही features हैं. Right? Pure competition has lesser features. Right? Pure competition is a very narrow concept, whereas perfect competition is a broader concept. Pure competition is less restrictive. Perfect competition is more restrictive. That is the only difference between pure competition and perfect competition. Otherwise, pure competition and perfect competition are similar to each other. Looking at imperfect markets, ये तो हो गया perfect markets के बारे में. Yes, जिसके subtypes हैं perfect competition and pure competition. Now looking at imperfect competition, very first we'll consider is monopoly. What is monopoly? Mono means one. Monopoly means one seller, right? Consider you're selling one commodity in the market which is unique in its nature. What do we mean by unique? Unique का मतलब है ये ऐसी commodity आप market में sell कर रहे हो जिसका कोई भी substitute नहीं है, right? जिसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट इमीडिएटली आपके पास नहीं है. डिस्टिंक्ट सब्सटीट्यूट हो सकता है. इमेजिन आप एक पेन प्रोड्यूस कर रहे हो, ये जो पर्टिकुलर पेन है वो मार्केट में कोई और प्रोड्यूस नहीं करता. नो वन एल्स प्रोड्यूसेस पेन. यस, अज्यूम कीजिए ऐसे. सो सिंपल चीज है, ये पेन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपया होगा. ₹10 इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. टू प्रोड्यूस वन पेन यू नीड ₹10, राइट. बट बिकॉज दिस पेन इज यूनिक इन इट्स नेचर, इसके पास कोई भी, इसके कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है. डिस्टिंक्ट सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, राइट, दूर वाले सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, पर क्लोज सब्सटीट्यूट कोई नहीं है. जिसकी वजह से ये पेन, जिसकी वजह से आपके पास एक पावर है ओवर दिस कमोडिटी, ओवर दिस प्रोडक्ट, राइट. यू विल बी द वन हु विल फिक्स द मार्केट प्राइस. ना इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या हो रहा था, जो भी मार्केट प्राइस था आप उसको अडॉप्ट कर रहे थे. बट मोनोपोली में क्या होने वाला है, अंडर मोनोपोली यू हैव सर्टेन पावर ओवर द प्रोडक्ट, ओवर द कमोडिटी, राइट, जिसकी वजह से यू कैन फिक्स प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी, यू कैन इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी. यू से चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹10, मुझे ये कमोडिटी मार्केट में सेल करना है ₹20. You can do that easily because you don't have any competition in the market. You don't have anyone selling this commodity. If people want to buy this pen, they will have to come to you only, right? तो आप इस commodity का price 20 रखो या 30 रखो, आपका commodity market में sell होने ही वाला है, right? That is monopoly.
याद रखिए मोनोपोली में बेसिक फीचर ऑफ मोनोपोली क्या है, इट्स अ मार्केट सिचुएशन व्हेन वेयर वेयर देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट एंड देयर आर नंबर ऑफ बायर्स विलिंग टू बाय व्हाटएवर दिस पर्सन इज सेलिंग. Right, there's only one seller in the market and there are number of people who are willing to buy whatever this person is selling, assuming we were producing pens, right? So ek seller jo pens produce kar raha hai, they are unique in nature. Yes, market mein aur koi aise pens nahi produce karta, market mein koi pens hi produce nahi karta, sirf yahi insaan pen produce kar raha hai, right? Aur jitne bhi students hai market mein, all the students will have to come to him and buy the commodity. So he will sell his commodity at 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees, whatever he wants, right? He is influencing the market price. Hence we say monopolist is price maker. Monopolist kya kar raha hai? Wo price bana raha hai. He is not taking market price, he is making his own price. So monopolist kya hai? Price maker hai. Acha, isme aur ek kaha jata hai ki वो प्राइज ही मोनोपोलिस्ट इज प्राइज मेकर. इन स्पाइट ऑफ दैट ही कैन ईदर फिक्स प्राइजेस और फिक्स द आउटपुट. सी मोनोपोलिस्ट है डजंट मीन ही इज गॉड, राइट? सो वो प्राइस भी अपना डिसाइड करेगा, आउटपुट भी डिसाइड करेगा, नहीं. ही विल फिक्स द प्राइज ऑफ द कमोडिटी और वो प्राइस देख के मार्केट दैट इज द बायर्स विल डिसाइड द आउटपुट दैट विल बी सोल्ड इन द मार्केट. Or else he can decide the output and buyers will decide, yes, market forces, that is demand and supply, will decide the price of that commodity. So he can either fix his price of the commodity or he can either fix the output that he will sell in the market, right? So now this monopolist also has to spend some money on advertisement, right? So dekhiye, there is something called selling cost. What is selling cost? Cost of production humko pata hai kya hai. To produce one commodity, you need some factors of production, land, labor, entrepreneur, capital, right? In sabko aapko kuch na kuch return dena padta hai. Jaise land ke liye rent lagega, labor ke liye wages ya salaries lagega, entrepreneur ko profit dena padega and capital ko rate of interest dena padega. राइट सो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ता है. तो जो पैसा आपको देना पड़ता है, लेट्स कॉल दैट एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. टू प्रोड्यूस वन पेन आपको 10 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा है, बट टू सेल दिस पेन इन द मार्केट आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ा. टू सेल दिस पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट आपको कुछ पैसा और खर्चा करना पड़ा, राइट? कहाँ खर्चा करना पड़ा? एज अ सेलिंग कॉस्ट. सिंपल चीज़ है, ये कमोडिटी आपके पास है, पीपल डू नॉट नो दिस कमोडिटी, यू विल हैव टू टेल देम देयर इज दिस कमोडिटी विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? दैट इज योर एडवर्टाइजिंग योर कमोडिटी, दैट इज योर एडवर्टाइजिंग योर कमोडिटी, राइट? सो दिस आप जितना भी खर्चा, मोनोपोलिस्ट जितना भी खर्चा करेगा ऑन द एडवर्टाइजिंग, दैट विल बी कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट. देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? वो कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसा लगा, प्रोडक्शन कॉस्ट. वो कमोडिटी मार्केट में सेल करने के लिए जितना पैसा लगा, दैट इज सेलिंग कॉस्ट. सिंपल वर्ड, इट इज नथिंग बट द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, राइट? सो मोनोपोलिस्ट को सी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नो वन एवर एडवर्टाइजेज अबाउट पोटेटोज एंड अनियन. देखा है आपने कभी अनियंस और पोटेटो का एडवर्टाइजमेंट? नहीं, because it's a perfect competition market, right? No one advertises about homogeneous commodity. क्यों नहीं करेगा? Because when I'm advertising my product, I'm actually advertising पूरे market का product, isn't it? When any producer is advertising about his own potatoes and onions, he is actually in other way advertising for entire market, and no one wants to do that. Why would anyone advertise for anyone else? He will advertise for himself, correct? So in perfect competition, no one advertises. But in monopoly, monopolist has to advertise to tell others about his own commodity. That is monopoly, right? Let's look at the
Now, the nearest example of monopoly क्या होगा? It is very difficult to find monopolies, but still nearest example for monopoly क्या होगा? All the government services, all the socialist economies or mixed economies have number of services जो government provide करता है. बहुत सारे services क्या होता है? Government provide करता है. ये सारी services जो government provide करता है, उसको हम monopoly कह सकते हैं. For an example, Indian railways, right? Indian railways जो है, किसका मोनोपोली है? हु इज रनिंग इंडियन रेलवे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंडियन रेलवे को कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल. जैसे यू कैन टेक एयरवेज, राइट? एरोप्लेन से आप जा सकते हो फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन. यू कैन टेक रोडवेज, आप अपनी कार से जा सकते हो और बस से जा सकते हो फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन. बट द फास्टेस्ट एंड द चीपेस्ट वे विल बी इंडियन रेलवेज, राइट? सो सिंपल चीज़ है, इंडियन रेलवे इज अ मोनोपोली जिसका मोनोपोलिस्ट कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ बिकॉज अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मोनोपोलिस्ट एंड प्रैक्टिकली दे कैन सेट एनी प्राइस. जो मिनिमम 10 rupees या 15 rupees का टिकट है, वो 10 rupees 15 rupees का टिकट वो 50 rupees में भी बेच सकते हैं, राइट? बट दे विल नॉट डू दैट बिकॉज रेलवे इज फॉर पब्लिक वेलफेयर. गवर्नमेंट को प्रॉफिट बनाना इज नॉट गवर्नमेंट्स मोटिव. प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट गवर्नमेंट्स मोटिव. उनका मोटिव क्या है? उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर. एंड पब्लिक वेलफेयर करने के लिए दे कीप प्राइजेस वेरी लो, राइट? गवर्नमेंट को, रेलवेज को सब्सिडीज दिया जाएगा गवर्नमेंट से, और थोड़ा बहुत मिनिमम पैसा विल बी चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर्स विच आर यूजिंग रेलवेज, राइट? आप कोई भी बस सर्विसेज लीजिए जो गवर्नमेंट चला रहा है, यस, दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली. सो प्योर मोनोपोली फाइंड आउट करना है इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बट स्टिल गवर्नमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है उनको आप मोनोपोली कह सकते हैं. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, दैट इज ओलिगोपोली. नाउ व्हाट हैपेंस इन ओलिगोपोली? बेसिक डिफरेंस मोनोपोली ओलिगोपोली में ये है कि मोनोपोली में देर वॉज ओनली वन सिंगल सेलर. इन ओलिगोपोली देर आर सम सेलर्स, देर आर फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स विच आर ट्राइंग टू सेल स्टैंडर्डाइज और डिफ्रेंशिएटेड कमोडिटीज. फॉर एन एग्जाम्पल, टेक सॉफ्ट ड्रिंक्स, यस, का मार्केट. यू हैव कोका कोला, यू हैव थम्सअप, यू हैव पेप्सी, राइट? ऑल सेम कलर. ये सब क्या ब्लैक कलर के सॉफ्ट ड्रिंक्स है, राइट? सो ये क्या है? दे आर ओलिगोपोलिस्ट. The few number of sellers in the market which are trying to sell their commodity to many buyers. There are many buyers in the market, right? Aur number of sellers kitne hai? Kuch hai, bahut zyada nahi hai, na hi one hai. There are few number of sellers which are trying to sell their commodities to many buyers in the market. That situation will be called as oligopoly situation. Second year they are saying products can be either standardized और डिफ्रेंशिएटेड. वॉट डू वी मीन बाय स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स? सिंपल चीज़ है, देखिए, कंसिडर सॉफ्ट ड्रिंक्स. उनका बेसिक केमिकल कंपोजिशन विल बी सेम, करेक्ट? और दी सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनका बेसिक केमिकल कंपोजिशन विल बी सेम, दैट इज दे आर स्टैंडर्डाइज. येट दे हैव स्लाइट डिफ्रेंशिएशन. वन इज लिटल मोर स्वीट, वन इज लेस स्वीट, right? This is the differentiation. One will be thoda sa strong, one is little sweeter, one is less extremely sweet. This is the slight differentiation that is being created just to show that our commodity, Coke is different than thumbs up, and thumbs up is different than Pepsi. Basic their chemical composition is same. You drink thumbs up, Pepsi, Coke, it is all same, right? But company, the producers, they have created this slight differentiation. एक को थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, एक थोड़ा कम स्वीट है, एक थोड़ा मीडियम स्वीट है, राइट? सो दिस इज नोन एज द ओलिगोपोली मार्केट. नाउ अनदर फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इज देर आर एंट्री बैरियर्स, राइट? देर आर सर्टन एंट्री बैरियर्स. ऐसे नहीं कि यू कैनॉट एंटर दिस मार्केट, यू कैन एंटर दिस मार्केट, बट देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन विच यू विल हैव टू फॉलो टू एंटर दिस पर्टिकुलर मार्केट. वेयर एज इन मोनोपोली एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ही इज वन सेलर. अगर कोई और वन मोर सेलर आ जाता है, देन टू सेलर्स, उसका मोनोपोली खत्म हो जाएगा, राइट? इसलिए ना मोनोपोली मार्केट एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है.
you cannot enter the monopoly market. Whereas oligopoly market, my entry is little difficult, but still it is possible. Another very important example for oligopoly market is OPEC, that is Organization of Petroleum Exporting Countries, all the Gulf countries which keep fighting with each other, right? Basically, they were initially very poor countries, but then they realized they have something called, it's called black gold, that is crude oil, right? So they started exporting crude oil. They were uneducated, they were scattered, and they were exporting crude oil. For most of the countries, other countries who are more educated, more developed, they were exploiting them. In order to stop this, what they did was they came together और उन्होंने अपना एक कार्टल बनाया. यस, ऑलिगोपॉली में व्हेन फर्म्स कम टुगेदर दैट इज विल बी कॉल्ड एज कार्टल. उन्होंने अपना एक कार्टल बनाया, उसका नाम उन्होंने दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. राइट, नाउ वट एवर डीलिंग्स आर देयर, वट एवर, हाउ विल दे फिक्स द प्राइस नाउ ऑफ क्रूड ऑयल? इन द कार्टल इट विल बी फिक्स्ड. यस, any leader will fix price and rest of the countries will follow that price. This is OPEC country. This is OPEC, right? That is nothing but another example of oligopoly. They are selling standardized commodity. They are selling crude oil to the entire world, right? That is the example of oligopoly. Now, oligopoly firm has to spend money to advertise themselves. Oligopoly, monopolist ko kya karna hai, sirf mera product market mein hai, ye naam ka product hai, itna hi batana hai. Whereas, oligopolist ko kya karna hai, a firm which are working in oligopoly market, unko apna product kaisa dusre product se achha hai, ye batana hai. Jaise Thumbs Up will continuously tell you ki Pepsi se I'm better, Coke se I'm better. Coke will continuously try and tell you I'm better than Thumbs Up, I'm better than Pepsi. Right? Why is it? Because they are oligopolist firm and they have to spend more money as they are selling cost. Monopolist ko kam paisa spend karna padta hai as selling cost, whereas oligopolist has to, they have to spend more money as selling cost to tell others about their own commodity, about their own product, right? Jiske wajah se ye zyada se zyada product market mein sell ho. अभी समटाइम्स दे इन्वॉल्व, ये तो कॉम्पिटिशन है, राइट? ऑल दीज आर कॉम्पिटिशन. सो ऑलिगोपोलिस ऑल्सो विल बी इन्वॉल्व इन अ कॉम्पिटिशन. इट कुड बी ईदर प्राइस कॉम्पिटिशन, दैट इज वन विल सेट 10 रुपया प्राइस है, तो सभी अपना प्राइस 9, दूसरा कंपनी अपना प्राइस 9 रुपीज़ कर देगा. सो दिस कंपनी विल रिड्यूस इट्स प्राइस टू 8 रुपीज़ एंड दिस कॉम्पिटिशन विल गो ऑन, राइट? और एल्स वॉट दे कैन डू इज दे कैन गिव डिस्काउंट्स. किस तरह का डिस्काउंट? नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. तो वॉट आर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन? आपने देखा होगा कि 20 मिलीलीटर का बॉटल के ऊपर 20% फ्री देंगे, यानी थम्स अप, पेप्सी या को, राइट? दिस इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. ईदर दे विल हैव प्राइस कॉम्पिटिशन और नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, दैट इज दे विल गिव डिस्काउंट, राइट? या एक बॉटल के साथ वन मोर बॉटल फ्री दे देंगे, एक बॉटल के साथ कुछ दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे देंगे. दिस इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन टू अट्रैक्ट बायर्स, दैट इज ऑलिगोपॉली फॉर्म, राइट? सो नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. सो वॉट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? दिस इज मोनोपोली एज वेल एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. दिस इज अ नाइस ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ मोनोपोली and perfect competition. Perfect competition, why? Because there are many sellers in the market and many buyers in the market. And why monopoly? Because your products are same, at the same time they are slightly different from each other. For an example, consider the market of soaps. There are n number of soaps in the market. Yes, there are bahut sari companies hai jo soap sell karti hai. So soap ka basic chemical equation will be same, right? बट एवरी सोप इज डिफरेंट इन इट्स ओन वे. कलर, किसी का कलर अलग होगा, वाइट, ब्लैक, येलो, पिंक, अलग अलग कलर्स में आते हैं, अलग अलग फ्रेग्रेंस में आते हैं, राइट? अलग अलग साइज में आते हैं, स्क्वायर, राउंड, ओवल, अलग अलग साइज में आते हैं, राइट? सो सिंपल चीज़ है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मतलब क्या है? दे आर सेलिंग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स.
Now, this differentiation between products can be either actual differentiation or superficial differentiation. Product to same hai, iska color pink hai, iska color green hai. Do soap same hai, ek ka color pink hai, ek ka color green hai. Right? That is superficial difference. Right? So, they are selling differentiated commodities in the market under monopolistic competition. So, under monopolistic competition, what happens is there are number of sellers and number of buyers in the market which are selling, here we are selling differentiated products. Right? So, every firm under monopolistic competition is actually a monopolist. Why? Because jis tarah ka soap he is producing, no one else is producing. They are producing close substitutes of this particular soap. But aisa ka aisa soap, no one else is producing. Correct? Hence, every monopolistic competition, every seller is in a way monopolist. But still, he has to be part of this perfectly competitive market. Hence, this is called as monopolistic competition. Abhi monopolistic competition mein kya hota hai, another feature is they have to spend huge amount on selling cost. उनको बहुत ज़्यादा पैसा सेल स्पेंड करना पड़ता है ऑन सेलिंग कॉस्ट. राइट? क्यों? टू शो दैट आवर प्रोडक्ट इज़ बेटर देन द अदर प्रोडक्ट. सो उसमें दे विल सुपरस्टार्स को अपने एडवर्टीजमेंट में लेंगे, दे विल हैव बिग बिग एड कैंपेन्स, दे विल गिव फ्री सैम्पल्स. ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती है टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट. दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. We've already said selling cost is very crucial in monopolistic competition, right? Now consider this one. You have perfect competition where example kya hoga? Agricultural commodities humne kaha, that is potatoes, onions, etc. Number of producers are large, number of buyers are large, number of sellers are also large. In all this example, number of buyers are many. Right? Number of sellers will change. Just in perfect competition, bahut sare hai. In monopoly, there's only one. In oligopoly, there are few number of sellers. Whereas in monopolistic competition, there are many sellers. Right? Then, nature of product dekhiye. Perfect competition mein, nature of product is standardized or homogeneous or identical. Whereas in monopoly, product is unique. Yes? It's only one product like that available in the market. Oligopoly as well as monopolistic competition, you have oligopoly mein you have standardized product or maybe differentiated products, but in monopolistic competition you have only differentiated products. Right? There are all different products. Slight differences is there, superficial or actual difference. Power to influence the price kya hoga? Perfect competition mein koi bhi power nahi hai. Firm is a price taker here. Right? Monopoly mein firm is price maker, they have considerable power. Oligopoly and monopolistic competition, dono may be oligopolist and monopolistic competition, they have some power to influence the price. Bahut zyada power nahi hai, but they have some power, right? Then barriers to entry. Perfect competition mein there are no barriers. Anyone can enter or exit the market. Monopoly mein there are high barriers. No one can enter this market because if someone else enters, his monopoly is vanished. Uska monopoly chala jayega. Right? So no one else can enter this market. Oligopoly mein barriers are high. Kafi zyada barriers hai. Monopolistic competition mein comparatively barriers are low. Right? Okay. Non-price competition dekhe kya hai? Non-price competition is what? Giving free samples, giving extended warranties, giving extra, having sales. Ye sab kya hai? Non-price competitions hai, right? So perfect competition mein they don't have any kind of non-price competitions, right? Monopoly mein yes, they have to spend on advertisement, but it is only for information purpose. Aur kuch uska purpose nahi. It is just the information purpose. Ki we have this product is available in the market. They are not trying to tell you this product is better than the other product because this is the only product which is available in the market. So it is just giving information, right? And rest of the two, that is oligopoly and monopolistic competition, they have to spend huge money for selling cost. They have to advertise their product to the great extent. Now, koi bhi entrepreneur who wants to enter the business, he needs to first study about the market structure. राइट? तो आपने सोचा है कि चलो मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है.
बिजनेस स्टार्ट करके आई एम टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, कमोडिटी एक्स आई एम गोना प्रोड्यूस. अभी आपको देखना होगा ये कमोडिटी एक्स किस टाइप का है, ये कमोडिटी एक्स कौन से मार्केट में जाने वाला है. यू हैव टू स्टडी दिस, आपको ये सारा सर्वे करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि ये एक्स कौन से टाइप का कमोडिटी है और कौन से मार्केट में कौन सा कॉम्पिटिशन यू विल बी फेसिंग, राइट. वेदर यू आर गोना बी द मोनोपोलिस्ट और यू आर गोना वर्क इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल, आपको अपना कॉस्ट, आपको अपना प्राइस, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब प्लान करना होगा, राइट. फॉर एनी सेलर स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. नाउ सी, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपका जो प्रोडक्ट एक्स है, कमोडिटी एक्स है, वो कौन से टाइप का है. वेदर इट्स अ होमोजीनियस कमोडिटी, आइडेंटिकल है बाकी अदर्स ऑल्सो सेलिंग दिस कमोडिटी, और इट्स अ यूनिक कमोडिटी. यस, कमोडिटी कैन बी ईदर, इट कैन बी होमोजीनियस आइडेंटिकल, इट कैन बी यूनिक, और इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड कमोडिटी. इफ इट्स अ होमोजीनियस कमोडिटी मीनिंग यू आर वर्किंग इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इफ इट्स अ यूनिक कमोडिटी मीनिंग यू आर वर्किंग इन अ मोनोपोली कंडीशन, इफ इट्स अ डिफ्रेंशिएटेड कमोडिटी देन यू आर वर्किंग इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, राइट. यू हैव टू फाइंड आउट आपकी कमोडिटी का टाइप कौन सा है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू टेक द प्राइस डिसीजन. इफ यू आर वर्किंग इन मोनोपोली यू कैन फिक्स द प्राइस, यू आर प्राइज मेकर. If you're working in perfect competition, you have to take the market price, whatever market price hai, wo aapko lena padega. And if you're working in monopolistic competition, aapko jo price barriers hai, jaise ki sabse cheapest soap is sold at rupees 5 and sabse expensive soap is sold at rupees 50. So aapko apna price fix karna hoga between this range, that is 5 and 50. राइट, आपको अपना प्रोडक्ट देखना पड़ेगा ये 5 और 50 इस रेंज में आपको अपने सोप जो आप प्रोड्यूस करने वाले हैं उसका प्राइस फिक्स करना पड़ेगा. सो यू हैव टू टेक द प्राइस डिसीजन डिपेंडिंग आपका मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है. अभी सेलिंग कॉस्ट का बारे में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसे कि वेदर टू एडवर्टाइज और नॉट टू एडवर्टाइज. इफ इट्स अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिचुएशन यू डोंट हैव टू एडवर्टाइज, right? It's a perfect competition situation, no need of advertisement is there. But if it's a monopoly, you have to spend some amount on advertisement, on selling cost for information purpose. Market ko aapko sirf information dena hai, consumer ko aapko sirf information dena hai ki aisa aisa product is available, correct. If you're working in a monopolistic competition, then you have to spend huge money on selling cost to tell market that your product is better than other product, ya aapke product mein kya khoobiyan hai ki everyone should come and buy your product. Iske liye aapko zyada paisa spend karna padega. Then you have to find out the degree of competition where you are exactly working. Perfect competition hai to degree of competition kaisa hai, monopoly hai to there is no competition for you, you are the sole sellers in the market. Monopolistic competition hai, then the competition is extremely tough because everyone is trying to sell their products in the market which are differentiated in nature. Perfect competition mein, because product are homogeneous, the level of competition or degree of competition will be lesser, right. But monopolistic competition mein you face high level of competition, high degree of competition. See, for conclusion, we say for an entrepreneur, it is utmost important before he ventures into a business to study and understand the various aspects of given type of market. For any entrepreneur, it is extremely important to understand market kaunsa type ka hai. When he knows kaunsa market hai, then he will have his cost, his price, his revenues and his profit accordingly, right? Knowing the market in respect of advantages and handlers is essential before one embarks upon a business, right. To understand this type of market is extremely important before any entrepreneur, any producer starts his own business, right. So that was about market structure, right. We saw there are some 4 structures we have seen: perfect competition, monopoly, oligopoly and monopolistic competition, right. Okay, we will be studying various types of various equilibrium conditions under all these markets, that is monopoly, perfect competition, oligopoly and oligopolistic competition.
कहाँ कौन से सिचुएशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा फॉर एनी फर्म, ऑल दोज थिंग्स विल बी स्टडिंग इन द फॉलोइंग इन दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर, राइट. थैंक यू वेरी मच. विल बी हैविंग योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स ऑन 7th जनवरी 11 AM.